जी क्या कुछ कहना चाहोगे गाने के बारे में? यार गाने के बारे में तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमने बहुत मेहनत से लिखा है, इन लोगों ने मेहनत से प्रोड्यूस किया है, इन्होंने डायरेक्ट किया है, और कंपोजर ने अच्छा कंपोज किया है, और सिंगर ने बहुत अच्छा गाया है, तो यकीन है कि लोगों को पसंद आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। लिरिक्स यार थोड़ा सा जो है वो पैथोस है, और उसमें जो कहानी है जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा पैथोस है जो, और पैथोस जो है वो हमेशा चलता है, और चूंकि उससे हर आदमी जुड़ा हुआ होता है कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में, तो वैसा ही गाना है, तो लोगों को पसंद आएगा ऐसा लग रहा है। आप ऐड कीजिए पहले। कर करण भैया से मैं इसी साल में कनेक्ट किया, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि इनके प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक कर पाऊँ, और ऊपर वाले का करम था कि तुराज साहब जैसे लोग हमसे पहली मर्तबा में ही जुड़े, जिन्होंने इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, और मतलब अतिशोक्ति नहीं होगी कहने में अगर कहूँ कि इनके गाने मिसाल मिसाल की तरह हैं। और ये जो दुआएं हैं, बहुत प्यारा गाना है, इट्स अ ब्यूटीफुल मेलोडी, और बेशक लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो एक कितना बड़ा लॉस वो लाइफ में देखता है, और करण भाई हैं, करण भाई ने जो प्रोजेक्शन शुरू से किया है, पहले दिन से किया है, उनका मानना यही है कि जो मज़ा 90s के म्यूज़िक में था, जो 2000 के म्यूज़िक में था, उसको एक रेवोल्यूशन की तरह हम लोग वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और राइजिंग इंडी म्यूज़िक इसी तरह के गाने, इसी तरह का संगीत आप सभी लोगों के बीच में लाता रहेगा। आगे बहुत प्यारी मेलोडीज आनी है। तुरा साहब के ही दो गाने तो, तुरा साहब के दो गाने और हैं अभी जो अभी सूट्स पे है, तो जल्द आ जाएंगे। और अच्छे इंडस्ट्री के लीड सिंगर्स ने गाने किए हैं, जावेद अली साहब का एक गाना है, सलमान अली का एक गाना है, तो आप सबका आशीर्वाद होगा, सभी का प्यार मिलेगा, तो गाने इंशाल्लाह सुपर हिट होंगे, सुपर हिट होंगे। जी यार देखिए वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत पैशनेट काम करते हैं, तो उनके साथ काम करके मेरे काम में भी पैशन आया है, और फिलहाल हम इस गाने की बात करेंगे, उनके साथ तो गाने आप उनके देखते रहते हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो मैंने वहाँ सीखा उनसे, और जो भी मेरे काम में कुछ जो है आगे बढ़ोतरी हुई है और वो अच्छा हुआ है, तो मैं वो बाकी लोगों के साथ भी कर सकूँ, इसलिए मैं करण जी के साथ काम कर रहा हूँ, इनके साथ काम कर रहा हूँ, और इस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है, और बहुत कुछ सीखा है इन दिनों, और वो मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छी चीज़ें और लोगों तक आएँ, और आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि अच्छे म्यूज़िक को अप्रिशिएट करें, अच्छी चीज़ों को ज़्यादा अप्रिशिएट करें, सबको करें लेकिन अच्छी चीज़ों को ज़्यादा करें। जी यार देखिए कहीं भी किसी म्यूज़िक को अप्रिशिएशन मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, और आगे भी मिलता रहेगा, हमारे यहाँ म्यूज़िक कभी जो है वो ना ख़त्म हुआ है ना होगा, हमेशा हम लोग सब म्यूज़िक से जुड़े हुए लोग हैं, और उनको मिला है तो बहुत खुशी की बात है, हम सब बहुत खुश हैं, पूरी इंडस्ट्री खुश है, मैं भी खुश हूँ। थैंक यू कि जो नई टैलेंट्स हम लोग बाहर ला सके जितनी हो सके। राइजिंग इंडी म्यूज़िक का जो प्रस्पेक्टस रहेगा फ्यूचर में आफ्टर दीज 2-3 सॉन्ग्स इज़ टू ब्रिंग द न्यू टैलेंट्स, और हम उस चीज़ को लेके बहुत फोकस्ड हैं। हम लोग मार्केट में नए थे, वी स्टार्टेड रिसेंटली ऑन दिस गणेश चतुर्थी, प्यार मिला है लोगों का, और हम खुद अच्छे से इस बात को जानते हैं कि कितना टैलेंट है हिंदुस्तान में, और वही प्रोजेक्शन रहेगा राइजिंग इंडी म्यूज़िक का कि नए नए टैलेंट को सिर्फ मुंबई से नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र से नहीं, सिर्फ दिल्ली से नहीं, बल्कि ऐसे पूरे इंडिया से, पूरे इंडिया से टैलेंट्स को हम लोग लेकर ला सकते। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। अभी तोराज साहब खड़े थे, अगर बंसाली जी की फिल्मों में से तोराज साहब का म्यूज़िक हटा दिया जाए तो आप समझ सकते हैं, मतलब म्यूज़िक इज़ द सोल ऑफ एनी मूवी, एनी फिल्म, तो बिना आत्मा के शरीर की कल्पना आप कर ही नहीं सकते। थैंक यू
यू। अब मैं क्या हाल चाल है, लाइट लगाते हैं ना सब ऐसे लगी कि मालूम है सबके मुंह पे लगेगा एलईडी लगा के आया। अच्छा गाना है बहुत ही, और लिरिक्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि एम दुरा साहब ने लिखा है इसे और उन्होंने तो बड़े कमाल के गाने लिखे हैं, तो उनके गाने पे हमें काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बहुत अच्छा गाना लिखा है और दानिश ने बहुत अच्छा गाया है, दिल को छू जाने वाला गाना है। हाँ, और हमने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, हाँ हम एक दूसरे की तारीफ कर लेते हैं। हाँ। है ना, गाने की बात करें तो गाने में किस तरह का कॉन्सेप्ट है, किस तरह की स्टोरी देखने को मिली? देखो वो मैं गाना ही 3 मिनट का है, मैं बोली दूंगा 4 मिनट पता ही चल जाएगा, इसलिए तुम्हें गाना देखना चाहिए। गाना देखना चाहिए बिकॉज उनके लिए हम ये बोलना चाहेंगे कि प्लीज आप गाना देखिए बिकॉज़ इट्स अ वेरी टचिंग रोमांटिक लव स्टोरी। हां, उनके लिए मैं ये बोलूंगा गाने का असली दिन आने वाला 14 फरवरी सॉरी। अच्छा हां, तब तक आपको पता चलेगा। हां, मतलब गाना दर्द के बारे में है, एक मतलब प्यार के बारे में है, दो लोगों के मिलने और बिछड़ने के बारे में है। जी, तो काफी बहुत ही रोमांटिक और सैड बोलूंगा तो दोनों ही गाना है। कॉन्सेप्ट आई थिंक मेरे लिए वो बाद में आता है, बट आई थिंक सबसे पहले गाना सुन के अगर वो एक इंटरेस्टिंग गाना, धुन, लिरिक्स, एवरीथिंग, आई थिंक एक जब गाना प्रोडक्ट अच्छा होता है उसके बाद कॉन्सेप्ट तो आप अपने हिसाब से चेंज कर लेते हो, जो बाद में होता है। कॉन्सेप्ट इज अ वेरी लेटर स्टेज ऑफ द सॉन्ग, बट आई थिंक गाना जब सुनते हैं वो अगर दिल को छूता है, व्हेन आई नो कि मुझे ये गाना करना है। हाँ विशाल से पूछा है। नहीं नहीं विशाल से। हाँ मतलब इसे मालूम है, कहा ठीक है गाना देख ही लेंगे यार, सुन ही लेंगे, पहले मुद्दे की बात पे आओ, बिग बॉस के बारे में बताओ। भाई कुछ नहीं जानता हूँ मैं। हाँ यार, हम अपने गाने के प्रमोशन के लिए आए हैं। सपोर्ट कर रहा था तो बाहर निकल गया। विशाल भाई गाने के। हाँ रुको, अब MC स्टैन जितना चाहिए उसको चुना अपन, वही जितना चाहिए। मेरे हिसाब से कौन जीतना चाहिए? आई थिंक शिव इज प्लेइंग गुड, सो जीतना, या ही इज नाइस। शेमडी अपन स्टैंड का है ना फिर वो अभी नहीं मेरे मुझे लगता है वो बंदा जीतना चाहिए। सही है। विशाल भाई अगर गाने की बात करें तो जो गाना आप लोगों ने किया ये एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेवल के लिए है। हाँ। तो कितना इंपॉर्टेंट रखता है, कितना मायने रखता है एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेवल के लिए काम करना अपार्ट फ्रॉम किसी बड़े लेवल अगर टी सीरीज और टिप्स जो कि वन सिंगल डोमिनेंसी लेवल रखे म्यूजिक तो उसके जगह पे किसी इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेवल के लिए काम करना देखिए मेरे काम करने का अप्रोच बहुत सिंपल सा है, मेरी थाली है, मुझे जिससे पैसा चाहिए मैं उससे मांगूंगा, जिसका पैसा गिरेगा अगर मुझे लगा कि हाँ मुझे काम करना चाहिए काम करना चाहिए। मैं इसमें बिलीव ही नहीं करता इंडिपेंडेंट, हर कोई नया होता है, हर कोई पहली बार कर रहा होता है, धीरे धीरे लोग बड़े होते हैं और गाने का काम करते हो इसके लिए भी काम करता हूँ। नहीं, धीरे धीरे लोग बड़े होते हैं और मुझे लगता है कि अभी ये इंडी राइजिंग म्यूजिक जो है बहुत बड़ा होगा और गाने का ना एक ही मुझे लगता है उसमें होना चाहिए, सुनने और देखने में अच्छा लग रहा है तो exactly, सुनने में इतना अच्छा गाना हो सो यू डोंट सी की बैक स्टोरी क्या है, लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी को। यार लिस्ट बहुत लंबी है, ऐसे सवाल का जवाब दे पाना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, लेकिन कुछ भी इंटरेस्टिंग ही करूंगा और इंटरेस्टिंग आएगा बहुत जल्दी। या सेम कि अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आगे क्या होने वाला है बिकॉज सब कुछ जो होता है अचानक से ही होता है एंड आगे पता नहीं क्या लाइनअप है, मन में बहुत कुछ है करने के लिए एंड आई एम श्योर कि कुछ अच्छा ही होगा, सो लेट्स वेट एंड वॉच। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। सब आप लोग गाना देखिए जी। अच्छा तुम लोग वाले करण भैया शुरू करेंगे, मैं आगे जोड़ूंगा। हाँ हाँ चलिए। गाना हमने सुन के मैंने प्रोजेक्ट इसको आशुतोष को दिया था क्योंकि वी वर गुड फ्रेंड्स काफ़ी टाइम से,
देव आशुतोष के साथ फिर हमारा डिस्कशन हुआ था, काफ़ी लंबा डिस्कशन चला था कि किसको पास करना चाहिए, क्या है क्या है। फिर उसके बाद हमको विशाल भैया का आया कि भाई चलो विशाल भैया को इसमें शूट करते हैं, और उस हिसाब से फिर उनके साथ हमने कृष्ण जी को भी शूट करने का फिर प्लानिंग किया था। जब ये गाना हम लोगों के पास आया तो तोरा साहब का कनेक्शन इस गाने के साथ बड़ा तगड़ा था, और उन्होंने कहा था कि मुझे मॉडल्स तो बिल्कुल नहीं चाहिए इस गाने के लिए, आई नीड एक्टर्स एंड दे टू गुड एक्टर्स। तो विशाल भैया वॉज इन माई माइंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, सृष्टि मेरी बचपन की क्रश है। अरे रे 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 ये मुझे अभी पता चला, पूरा गाना निकल गया इस बंदे ने, बात दबा के रखी हुई थी अब तक। तो अब दिस आई वाज फॉर्चून इनफ के भाई मेरे प्रोजेक्ट में, हम लोगों के प्रोजेक्ट में वी गॉट दिस चांस कि वी आर नॉट फ्रेंड्स, आई वुड कॉल कि ये मेरे बड़े भैया हैं, वो कनेक्शन बना है हमारा, करण भैया हमारा, वी आर लाइक ब्रदर्स नाउ। और आगे बढ़े, अच्छा स्क्रिप्ट मिला, गाने को प्यारे तरीके से बनाया, सृष्टि वॉज लुकिंग सो फैबुलस, विशाल भैया आप देख ही रहे हैं, तो गाना बहुत पसंद आएगा लोगों को और इंशाल्लाह सुपर हिट, सुपर हिट। ये अपना प्रोड्यूसर बोला, ये देखो मुझे तो अब तक पता ही नहीं था, पहले बताते तो मतलब थोड़ा और मजा आता मुझे काम करने में। हाँ यार बताया नहीं, इतना झगड़ा भी करी थी उनसे, फिर मैं हट जाता मालूम है सीन से, मजाक करी हूँ, बट ऑनेस्टली बहुत मजा आया इनके साथ काम करके। हमने चंडीगढ़ में शूट किया एंड इट वाज जस्ट अ फन वन डे, हेक्टिक नहीं था। यूजुअली क्या होता है ना म्यूजिक वीडियो जब आप करते हो तो इतना इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है कि एक दिन में भी ऐसा लगता है करते जा रहे हैं, बट आई थिंक इनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, एक दिन बहुत इजीली निकल गया और मज़ा आया काम करने में। हाँ मुझे तो वो गन्ने के खेतों में बहुत मज़ा आया, ऑनेस्टली आई मीन वो बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि बहुत सदियों के बाद मैंने ट्रैक्टर चलाया था, और बहुत रोमांटिक क्यों था क्योंकि इतनी अच्छी लड़की बगल में बैठी हुई, चलाना तो मुझे भी था लेकिन क्या लड़कियां ट्रैक्टर क्यों नहीं चला सकती। एक हिट बताना चाहूंगा मैं, बड़ी प्यारी सी हिट है, आई विश सृष्टि ऑफेंड नहीं होगी, रात में हमने शूट का कॉल टाइम रखा सुबह 5:30 बजे का, मैं बहुत पंचुअल हूँ, आई नो मतलब मैं समझ गया उसके बाद कि सृष्टि इज वेरी पंचुअल, हां वो बता, 5:30 का कॉल टाइम रखा, और जब हम लोग रात में स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने उस शूट को 8 बजे से रख दिया, सुबह 8 बजे से, और सृष्टि सुबह 5:30 बजे तैयार होकर बैठ गई और nobody was opening the gate. मैं फोन करते रह गए सबको कि भाई शूटिंग हो रही है या नहीं, और कोई फोन ही नहीं उठा रहा, मैं बोल रही हूँ। उसके बाद 3 घंटे इनको सेट पे मनाया हमने और बहुत प्यार से मान गई। नहीं वो तो बनता था यार तुम्हारा मनाना इसको वो तो बनता था क्योंकि मुझे पता था कॉल टाइम क्या है, मैं बस सोया हुआ था। हाँ ये सो रहा है और मैं उठ के और उठी हूँ मैं 4 बजे फॉर अ 5:30 का कॉल टाइम, रेडी होकर 4 बजे उठी हूँ मैं, और मुझे पता ही नहीं कि शूट डिले हो गई है। Please, please do watch our song and like and share and गाना देखो और गाना देखो। Yes, please. और सुनो भी। हाँ, मगर अच्छा गाना है और please थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कीजिए इस गाने में अपना और अप्रिशिएट कीजिए। या प्लीज अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। 90s और 2000 का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की हम लोगों ने इस गाने में, तो मजा आएगा। थैंक यू। कि हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि तभी आप हमें यहाँ देख रहे हो। Yes, we are, of course, and she's very close to us, so that's why we are here to support her. See, first of all, Srishti is looking very beautiful. That is That's the best thing for the video. But anyways, the video is really nice, very well shot, very well sung. We love the voice. And of course, the beautiful couple. Yeah, the chemistry is going to be great. Dono bahut achhe performers hain. Actors bahut achhe hain. I was about to say that. Yeah, so. You should write to me. See, अचानक से तो नहीं, हमें तो पता था, but I'm very happy for her because जो उसने किया है और जिस तरह से शी स्टूड बाय
दैट पर्सन शी लव्ड वो बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल है एंड ऐसे ही लोग हैं जो आपको प्यार पर विश्वास दिलाते हैं. शी इज़ अ पार्ट ऑफ माई फैमिली एंड आई लव हर एंड आई विश हर ऑल द हैप्पीनेस. अभी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा कुछ वो नहीं है कॉन्क्रीट की मैं आपको बता सकूँ बट होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड सून. बट हाँ मेरे दो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो मैंने कंप्लीट करे हैं. द टू मूवीज वेब मूवीज तो वो इस मार्च एंड अप्रैल में कुछ लाइंड अप है रिलीज होने के लिए. यार नथिंग एज सच जस्ट शॉट विद माय भट कैम वीडियो व्हिच आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट. दिस इज देयर फर्स्ट म्यूजिक वीडियो एंड अगेन देयर इज नथिंग फिक्स्ड ऑब्वियसली बट वी कमिंग सून विद समथिंग रियली एक्साइटिंग. थैंक यू. गाने के लिए तो हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं बिकॉज मैं पहली बार चिराज भाई का लिखा हुआ गाना गा रहा हूँ. ये इतने बड़े मतलब हमारी खुशनसीबी है कि इतने बड़े इनके इतने बड़े बड़े गाने हैं. ये लेजेंड ही है, ये लिविंग लेजेंड है. इनके गाने नहीं नहीं हैं आप लेजेंड है. इनके गाने हमें गाने का मौका मिल रहा है तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. एंड करण भाई ने इतना प्यारा इसका वीडियो बनाया है एंड स्पेशली हमारे कंपोज़र बहुत ही कमाल की धुन जो बनाई है. मतलब मज़ा ही आ गया यार. अमान अयान बहुत ही मतलब ग्रेट कंपोजर होने वाला है. थैंक यू सो मच भाई. थैंक यू सो मच. बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है. प्लीज़ इस गाने को सुने, शेयर करें एंड बस सब्सक्राइब करें हमारा राइजिंग इंडी म्यूजिक. बहुत प्यारा गाना गाया. बहुत प्यारा गाया. नो डाउट. ये आप किससे कर रहे हैं सवाल? मेरे साथ नहीं यार. देखिए पहली बात तो ऐसी कोई तैयारी की नहीं खास, क्योंकि जिन लोगों ने ये म्यूज़िक किया है अमान और अयान इन दोनों के म्यूज़िक आता है और ये आप जानते हैं दानिश को, ये मेरे शहर के भी हैं, मेरे अपने हैं. और ये करण जी हैं, इन्होंने जो अच्छे से शूट किया और इन्होंने इसको कोऑर्डिनेट किया है. तो कुछ खास तैयारी नहीं की क्योंकि गाना अपने आप में खुद एक तैयारी होता है. इसकी हम तैयारी क्या करेंगे. म्यूज़िक जो है सीख के लोग आए हैं और इन सब ने इन्होंने बहुत अच्छा गाया है और अयान ने और अमान ने बहुत अच्छा म्यूज़िक किया है और इन्होंने बहुत अच्छा शूट किया है और मैंने ऑफकोर्स बहुत अच्छा लिखा है हमेशा की तरह. नो डाउट. हाँ तो ये अच्छा ही गाना हुआ. आप सुनिएगा तो मज़ा आएगा और लोगों तक पहुँचाइए इसको. लिखने में तो तुरंत सबको कोई पहुंच नहीं पाने वाला. जी नहीं ऐसा सब भी ऐसे होते हैं. बिल्कुल. देखिए इन्हीं के साथ हम इन्हीं गानों की बात करेंगे. सर के साथ हमारे और भी गाने हैं, दो गाने हैं अभी जो रिलीज़ पे हैं आगे, तो वो भी बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएंगे. और बहुत अच्छा काम इन्होंने चूज़ किया. देखिए काम तो यहाँ सब तरह के होते हैं लेकिन अच्छे काम बहुत ज़्यादा नहीं होते, आप भी जानते हैं. तो इन्होंने बहुत अच्छा काम जो है वो चूज़ किया और अच्छा हमसे लिखवाया, अच्छा इनसे बनवाया, इनसे गवाया, तो कुछ अच्छा ही होने वाला. मतलब राइजिंग इंडी म्यूज़िक जो है वो इतने कमाल के गाने बना रहा है. अभी हमने इससे पहले गाना किया था तेरे जिस्म से अब किसी और की खुशबू आती है, वो भी अमान अयान का कंपोज किया हुआ था, वो भी बहुत ही कमाल का गाना था. एंड अभी ये आया है हमारा दुआएं, तो इसको प्लीज़ इतना प्यार दें आप कि ये सारी दुनिया में छा जाए हमारा गाना. बिल्कुल बिल्कुल. और अभी कुछ कंपोजर से पूछे, ये बताएंगे, ये नए बच्चे हैं, इनको थोड़ा आगे प्रमोट कीजिए और ये बताएंगे कुछ. सनी भाई, अयान तुम इधर आ जाओ. भाई योर सॉन्ग. अभिनव भाई का कॉल आया. ये अभिनव सर हमारे इंडियन आइडल में जो है वो मतलब क्या ही बताऊं, प्रोजेक्ट हेड है. तो इनका मेरे को कॉल आया कि दानिश आपको ऐसे ऐसे ये गाना गाना है. तो मैंने गाना सुनते बोला कि अभिनव भाई ये गाना मैं ही गाने वाला हूँ. मैं कहा सर ये गाना किसी और को मत देना, ये गाना मैं ही गाने वाला हूँ. और गाना इतना प्यार मिल रहा है तेरे जिस्म से, उसको भी बहुत प्यार दिया. एंड ये दुआएं भी बहुत ही अच्छा चल रहा है. अभी 4 लाख व्यू समथिंग हो गए हैं. तो प्लीज इसको और सुने. थैंक यू सो मच. बाय 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 बाय. अपॉर्चुनिटी लगे हुए हैं क्या? इन्होंने अपने को होल्डिंग दी सब दिए सर ने. अरे वाह वाह वाह. सर प्लीज कुछ आप कुछ कहें. योगेश जी, योगेश लखानी. और ये है हमारे योगेश जी, पूरा बॉम्बे इन्होंने होल्डिंग से छाप दिया है. थैंक यू सो मच सर. आपके होर्डिंग्स हम आते जाते देख रहे हैं. एयरपोर्ट जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ. अभी अभी जस्ट मैं आइडल का शूट फिनिश करके आए मैं और सनी. आते हुए हमने 3 पोस्टर देखे आपके. थैंक यू सो मच यार. क्या बात है योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया. और बहुत ही अच्छा गाना अभिनेश भाई. अरे मेरे भाई बहुत ही अच्छा जा रहा है और इंशाल्लाह और भी अच्छा जाएगा. हमारी दुआएं. और आपने बहुत ही कमाल गाया. इन्होंने गाया और इन्होंने सजाया. अरे सर ऑल गुड. पारी आप.